नमस्कार, मैं प्रेम आर्या और आप देख रहे हैं डी फोकस। लेकिन सरकार जो है पहले इसकी अनुमति घाटों में पूजा करने का अनुमति नहीं दिए थे, लेकिन कल जो है सरकार ने अपना फैसला गाइडलाइंस को बदला है और उसमें घाट में पूजा करने की अनुमति दी गई है। खैर, लेकिन अभी हम लोग आए हुए हैं धुंधी बाजार, जहाँ देखेंगे कि इस बार जो सामान है जो छठ में यूज़ किया जाता है उस सामान का क्या दाम है, और ताकि लोग को खरीदारी करने में आसानी होगी। तो हमारे साथ एक दुकानदार बने हुए हैं, चलिए इनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो है क्या सामान का दाम चल रहा है। सबसे पहले ये तो बताइए कि आपके पास जो सूप है कितने तरह का सूप है? 3 तरह का है। ये देख सकते हैं यहाँ की, ये आपका 40 का पड़ेगा, ये 50 का है, ये 60 का है, आगरा बोलते हैं इसको, और इसका 140 रुपये प्राइस पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो छोटा सूप से लेकर बड़ा सूप से, सबसे छोटा आपका जो है 25 से लेकर यहाँ आपका 60 तक मिलेगा। आपके पास डलिया जो है कि सबसे कम रेट का कितना का है? सबसे कम रेट तो अभी 150 का है। और सबसे ज़्यादा? 350 तक। आप डलिया अगर लेने के लिए आते हैं तो सबसे कम रेट आपका 150 और सबसे ज़्यादा आपको 350 का पड़ेगा। मोनी का क्या रेट है? 25 रुपया है। 25 रुपया का ही है कि इससे ज़्यादा भी है? इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ एक खरीदार जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार जो है बाजार की रौनक इनको कैसी लग रही है। दाम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, रेट इतना नहीं होना चाहिए जितना रेट अभी है, और फिलहाल में कोरोना को लेकर के सबका तो अवस्था ख़राब है, फिर भी ये जो पर्व है इसमें तो खरीदना अनिवार्य है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। हम और भी चलते हैं आगे और दुकानदार से जानते हैं कि और क्या रेट है। ये जो कोसी को आप जो रंग रहे हैं, ये आप कितने दिन से करते हैं इसको? वो लगभग हम लोग इसको लॉकडाउन से इस साल बना रहे थे, पर भी ये रंग 8 दिन पहले पेंट उंट हुआ, अभी सजा रहे हैं सिर्फ। सजा रहे हैं। अभी क्या रेट है इसका? इसका रेट मिनिमम जैसे 200, पूरा सेट रहता है, जैसे 12 को दिया और 12 ढक्कन, हाथी और कोसी रहता है, उसके ऊपर फिर दिया रहता है। तो ये 200 रुपये फिक्स है कि इससे कम भी होता है या ज़्यादा भी होता है? जैसे कस्टमर के हिसाब से होता है, कम बेसी होता है। ये जो चूल्हा है इसका क्या रेट है? ये चूल्हा जो है 40 रुपये में बेचते हैं, 40 रुपये पीस बेचते हैं। तो ये चूल्हा छोटा बड़ा भी होता है कि सेम साइज होता है? नहीं, छोटा बड़ा भी होता है, मुंह थोड़ा उसका छोटा भी मुंह मांगता है ग्राहक, बड़ा भी मुंह को मांगता है ग्राहक, सब तरह का ग्राहक मांगता है, छोटा बड़ा सब चीज़। तो सबका एक ही प्राइस है कि अलग अलग? नहीं, सबका एक ही प्राइस है। जो देख रहे हैं लकड़ी, वो आम का लकड़ी है, और ये 20 रुपये किलो रेट रखे हुए हैं, कोई मांगता है 18 रुपये किलो तो नहीं घुमाते हैं, दे देते हैं। इस बार आपका जो बाजार की स्थिति है वो कैसी है? ये कोरोना काल में बाजार का स्थिति थोड़ा डाउन है। क्या रेट दे रहे हैं? क्या रेट है आपका? 60 का। 60 का जोड़ा। तो ये कहाँ से लाए हैं? मद्रास। ये मद्रास से आता है, नींबू गागा ढाबा इसको बोला जाए। क्या प्राइस है इसका, क्या रेट है? 40 रुपये जोड़ा। ये भी 40 रुपये जोड़ा है। और ये जो डाब है? डाब 30 रुपये पीस। देखिए, तो अभी जो बाजार चल रहा है इसमें खरीदार भी, इनसे बात करते हैं कि ये इस बार जो खरीदारी करने के लिए आए हैं, रेट इस बार कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, क्या स्थिति रहेगी? रेट तो मुझे लग रहा था कि इस बार कम मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट घूमने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ अंतर नहीं है, पहले से ज़्यादा रेट है, वही सब रेट मिल रहा है। सेब अभी जो हम लोग लेते थे पेटी, वो 500 रुपया, 450 रुपये पेटी आती थी, अभी 550 रुपये मिल रही है, बल्कि वो रेट तो हाई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कारण क्या है रेट बढ़ने का? कारण चीज़ें सप्लाई नहीं हो रही है टाइमली, इसके कारण ये सब लेट हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। और ये जो कोरोना का कहर जो है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये भी जिम्मेदार है बाजार की स्थिति को बिगाड़ने में? बाजार की स्थिति को बिगाड़ने में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आप घाट में पूजा कर रहे हैं या घर में ही अपना घाट बनाया? नहीं, मैंने अपने घर के पास ही घाट बनाया, मैं अपना वहीं पर सेपरेट पूजा कर रहा हूँ। बहुत कम लोग घाट पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी बहुत लोग डर के कारण नहीं जा रहे हैं, और बहुत लोगों को पता नहीं था, कुछ ऐसा बोला जा रहा था कि अभी तक ये वहाँ घाट पर जाकर पूजा करना अलाउ नहीं है, तो बहुत लोग अपने घर के पास ही अरेंज कर चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो बात करने समझ में आता है कि ज़्यादातर लोग जो है इस बार महंगाई का दर को सही रहे हैं, लेकिन साथ में कोरोना के वजह से जो है लोग घर पे ही घाट बना रहे हैं, घर पे ही जो है पूजा करेंगे। साथ में मैंने आपको यहाँ के जो बाज़ार का जानकारी दे, साथ में बताया कि यहाँ क्या किस कीमत पे क्या बिक रहा है, और इस तरह के बाज़ारों की रौनक और छठ पूजा के बारे में और भी जानने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। मैं प्रेम आर्या अपने सहयोगी अनिकेत के साथ।